मध्य प्रदेश में सोमवार को सीएम के नाम की घोषणा ने सबको चौंका दिया। शिवराज सिंह चौहान से लेकर प्रहलाद पटेल, नरेंद्र तोमर जैसे दिग्गजों के नाम सीएम की रेस में शामिल थे, लेकिन मुहर लगी मोहन यादव के नाम पर। आखिर क्यों, बताएंगे इस वीडियो में। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स, आपके साथ मैं हूं अंकिता। ये पहला मौका नहीं है जब मुख्यमंत्री के नाम को लेकर बीजेपी ने देश को चौंकाया हो। मोदी और शाह की जोड़ी हमेशा से सरप्राइज देने में माहिर रही है, लेकिन क्यों बड़े नामों को दरकिनार कर विधायक दल की बैठक में मोहन यादव के नाम का ऐलान किया गया। क्या मोहन यादव को मुख्यमंत्री बना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2024 के लिए मास्टर स्ट्रोक चल दिया है। दरअसल जो एमएलए चौथी लाइन में बैठा हो और जो कहीं से भी सीएम की रेस में शामिल ही ना हो, अचानक उसका नाम तमाम दिग्गजों को पछाड़कर सीएम के लिए आया तो हर किसी का हैरान होना लाजमी था। लेकिन ये सब अचानक नहीं हुआ था, बल्कि बीजेपी की टॉप लीडरशिप ने मोहन यादव का नाम पहले ही तय कर लिया था। जैसा हमेशा होता है, जब तक बीजेपी इसका ऐलान नहीं कर देती तब तक नाम की भनक तक किसी को नहीं लगने देती है। सोमवार दोपहर को पार्टी के पर्यवेक्षक भोपाल पहुंचे और शाम करीब 4 बजे विधायक दल की बैठक शुरू हो गई। सीएम चुनने और उसके ऐलान की जिम्मेदारी पर्यवेक्षक बनाए जाने के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बखूबी निभाई और अपने शुरुआती भाषण से सबको ये संकेत दे दिया था कि मध्य प्रदेश में इस बार बदलाव होने वाला है। उन्होंने कहा कि पार्टी जो जिम्मेदारी देती है उसे निभाना है। समय समय पर पार्टी भूमिका बदलती है, हर कार्यकर्ता को उसकी भूमिका का निर्वहन करना होता है। और फिर शिवराज सिंह चौहान ने अगले मुख्यमंत्री के तौर पर मोहन यादव के नाम का प्रस्ताव रख सबको चौंका दिया। हालांकि इस बात की अटकलें तो पहले से ही थी कि इस बार एमपी में मामा का राज तो नहीं होगा, ओबीसी को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। यहां बीजेपी 2024 के आम चुनाव से पहले एक तीर से दो निशाने लगाती हुई नजर आई। बीजेपी ने न सिर्फ ओबीसी से चेहरा चुना बल्कि यादव समाज से सीएम चुन सबको हैरान कर दिया। मोहन यादव ओबीसी समाज से आते हैं, इसका असर मध्य प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा और राजस्थान तक देखने को मिलेगा। ऐसे में बीजेपी आलाकमान ने मध्य प्रदेश के साथ ही देश के सबसे बड़े सियासी सूबे उत्तर प्रदेश और बिहार के ओबीसी वोटर को साधने की कोशिश की, जहां लोकसभा की 149 सीटें हैं। इतना ही नहीं, इन तीनों राज्यों में ओबीसी में यादव वोटर्स विनिंग फैक्टर्स रहे हैं। इसके साथ ही बीजेपी ने मध्य प्रदेश में 2 डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला को बनाकर अन्य जातियों को साधने की भी कोशिश की है। जगदीश देवड़ा जहां अनुसूचित जाति से आते हैं, तो वहीं राजेंद्र शुक्ला ब्राह्मण समाज से हैं। वहीं स्पीकर बने नरेंद्र सिंह तोमर क्षत्रिय समाज से ताल्लुक रखते हैं। तो इस पर आपकी क्या राय है जरूर हमें बताइए। जुड़े रहिए जनभावना टाइम्स के साथ। नमस्कार।